सो आज हम आपके सामने लेके आए हैं ऑरिस गेटवे। ये एक SCO प्रोजेक्ट है जो कि NH8 पे आ रहा है और 3 साइट ओपन, ये पूरी की पूरी साइट है, करीबन 9.5 एकड़ की ये साइट है और SCO प्रोजेक्ट है ये। SCO मतलब होता है शॉप कम ऑफिस की साइट है ये। अब ये कम्प्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो यहाँ पे आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें 4-5 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ कि SCO होता क्या है। SCO होता है शॉप कम ऑफिस, जिसका मतलब है कि आप एक प्लॉट लेते हैं और उस प्लॉट पे आप कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप शॉप बना सकते हैं, शोरूम बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, ये सब के सब आप खोल सकते हैं यहाँ पे। ये कम्प्लीटली कमर्शियल रहता है और इसके ऊपर आप जो बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप बेसमेंट, ग्राउंड और ऊपर से 4 स्टोरी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा 100% ग्राउंड कवरेज आपको मिलता है, साथ में ये 6 स्टोरीज आप बना सकते हैं और ये कम्प्लीटली कमर्शियल रहते हैं अपने आप में। तो इस एस्पेक्ट को लेते हुए ये हो गया शॉप कम ऑफिस। नाउ अगर आपको इन्वेस्ट करना है प्लॉट्स में गुड़गांव में, तो आपके पास केवल 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं या आप कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं। अब अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आपके पास जो छोटे प्लॉट्स थे जो दीनदयाल में आते थे वो आज की डेट में ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं और लोग उस पर, डेवलपर्स भी उस पर आपको आज की डेट में जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं फ्लोर्स उसी के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन दैट जोन ओनली। सेकेंडली अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आ जाएगी, बहुत वेरी सून ये पॉलिसी आ जाएगी कि आप कमर्शियल में भी इंडिविजुअल फ्लोर्स को आप रजिस्टर करा पाएंगे। सो ये हो सकता है 6 महीने में आ सकता है, 6 महीने में आ जाए, हो सकता है ये साल भर में आ जाए पॉलिसी। तो अगर ये हो जाता है तो इन दैट केस ये प्लॉट्स जो आज अवेलेबल हैं ये शायद 6 महीने बाद आपको ये भी मिलना ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे, बिकॉज एंट्री साइज आपका कम हो जाएगा। सो ऑल दीज एलिमेंट्स टेकन केयर ऑफ। अब हम बात करते हैं कि हम ऑरिस गेटवे के बारे में, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पहले तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की कि SCO क्यों करें और कमर्शियल क्यों करें और ऑल दोस एलिमेंट्स। अब ऑरिस गेटवे की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सो इसके एक साइड पे, लाइक मेरे इस साइड पे आपके NH8 है, NH8 है, इस तरफ आपका सारा का सारा न्यू गुड़गांव की एंट्री आ जाती है। दिस इज अ कॉर्नर प्लॉट। अगर हम कॉर्नर प्लॉट की बात करते हैं तो ये NH8 से सीधा सीधा आपको अंदर लेके आ रहा है टुवर्ड्स न्यू गुड़गांव, ठीक है जी। तो ये 3 साइड प्लॉट है, ये 3 साइड ओपन प्लॉट है। एक आपका NH8 पे आ जाता है, एक आपका जो आपकी सेक्टर रोड अंदर जा रही है जो टुवर्ड्स आपकी न्यू गुड़गांव की तरफ जा रही है, उसके तरफ आ जाता है, और एक आपकी 24 मीटर रोड है जो इस तरफ आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका अंदर आ रहा है और टर्न हो रहा है इस साइड पे, तो मेन हब आपका यहीं पे आ जाता है प्रोजेक्ट का। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें, तो ऑलमोस्ट 50,000 फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं और ये पूरा का पूरा जो जोन है अप्रोक्सीमेटली करीबन 4-5 लाख यहाँ पे फैमिलीज आपकी आएंगी इन द नियर फ्यूचर और यहीं पे बसेंगी। तो हम एक कैप्टिव ऑडियंस की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा कैप्टिव ऑडियंस कॉर्नर साइट मेन ऑन द NH8, आपको चलता ट्रैफिक भी आ रहा है, साथ साथ आपके साथ जो इंटरनल आपके पास कैप्टिव ऑडियंस है पूरे न्यू गुड़गांव की वो भी आपको मिल जा रही है। सो ये दोनों एलिमेंट्स की बात करें तो दिस बिकम्स लाइक अ नो ब्रेनर। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अबाउट SCOs। SCO में बात करें तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है आपकी नेग्लिजिबल इसके सामने होती है। क्यों? आप मॉल में लेते हैं तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये के आसपास की आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, कैम चार्जेस जिसे बोलते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक SCO पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लॉट आपका है और ये कोई एयर कंडीशन जोन नहीं है, यहाँ पे वो सारे के सारे एलिमेंट्स चले जाते हैं अपने आप में। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई वुड से दिस बिकम्स लाइक अ नो ब्रेनर टू मी। आपने हमेशा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बढ़िया एलिमेंट एक और चीज़ ऑरिस कर रहा है इसके अंदर, कि ऑरिस ग्रुप की तरफ से 50% अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट्स जो हैं वो ऑरिस बेचेगा इसके अंदर, और 50% प्लॉट जो हैं वो अपने पास रख रहे हैं, इसको वो कम्प्लीटली बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद उस पर लीजिंग करेंगे, उस पर ब्रांड्स को लेके आएंगे और उसके बाद ही इसको कहीं ना कहीं इसमें वो कुछ आगे करेंगे। सो आप जब इसके अंदर आएंगे, आप जब कोई प्लॉट लेते हैं इसके अंदर, तो आप ये देखिएगा कि आपके साथ वाले प्लॉट पे ऑलरेडी लीजिंग हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो रखी है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है।
आप उसके साथ जब अपना प्लॉट लेके आएंगे तो चाहे आप उसके अंदर अपना अपना ऑफिस खोलें, अपना कोई शोरूम खोलें, अपनी कोई शॉप खोलें, या फिर एट द सेम टाइम आप अपना किसी को लीज करने को कहें, तब भी ये दोनों एलिमेंट्स में यू बिकम अ विनर। तो आप चाहें तो हमसे लीज करा लें, आप चाहें तो ये खुद कर लें, ईदर वन ऑफ दोज एलिमेंट्स और अपना खुद ऑफिस खोल लें, तो ये सारे एलिमेंट्स पे ये खरा उतरता है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो लाइक आई सेड बहुत ही कम इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, आप उसमें आए इन्वेस्ट कीजिए, और एनी अदर असिस्टेंस और एनी अदर क्वेरी दैट यू हैव एज फार एज SEOs आर कंसर्न्ड और कमर्शियल इज कंसर्न्ड, यू कैन गेट इन टच विद अस, आवर नंबर्स आर मेंशन्ड बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस।